जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। भैया देखिए, असम राइफल का आपको अपडेट दे रहा हूँ। अपडेट क्या ही बोलूँ, अपडेट दे रहा हूँ, इतना डिले कोई अपडेट होता है क्या? बस एक तरह से आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जो कि असम राइफल का नोटिफिकेशन आया हुआ था 2023 के भर्ती का, उसमें थोड़ा सा अब जा करके 16 मई 2023 को थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। थोड़ा सा क्या, एक अच्छा ही बदलाव किया गया है। अब कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बेकार हो सकता है। हुआ क्या कि वैकेंसी में आपका चेंज कर दिया गया है, कि कुछ वैकेंसी इसमें क्या नंबर ऑफ सीटें कुछ कैटेगरी में बढ़ा दी गई हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि फॉर्म भर रहा था कि मैं इस कैटेगरी से था, किसी भी कैटेगरी से आप लिख सकते हैं, जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी से, एसटी में, इस कैटेगरी में तो था ही नहीं। अब मैं क्या करूं, अब सीट बढ़ गई है तो सीट उसी में बढ़ाया गया है जिसमें आपका वैकेंसी थी, तो उसमें घबराने वाली दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि ओबीसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लर्क का लगभग हर एक स्टेट से 7, 8, 4, 5, 10 वैकेंसी के अराउंड बढ़ा हुआ है। एससी एसटी में इवन दैट बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आपका वैकेंसी बढ़ा हुआ है। आपको अगर भर्ती में, आपको पता ही चल गया होगा, जो लोग उसमें एक्टिव रहे होंगे, पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे, वो लोग भी वेबसाइट पे रेगुलर विजिट कर रहे होंगे, तो उन लोगों को पता चल गया होगा कि भैया देखिए वैकेंसी बढ़ चुकी है। अब जिन लोगों को जाना था वो लोग निकल चुके हैं या कल परसों में निकलेंगे, अब जल्दी ही निकलेंगे। मैं वीडियो को डिले आपको यूट्यूब पे इसलिए जा रहा है कि वही सिस्टम का ब्रेकडाउन है, फेलियर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। और हाँ, नोटिफिकेशन को मैं सेंड कर दे रहा हूँ पहले ही, आपके ये वीडियो को मिलने से पहले ही मैं टेलीग्राम में नोटिफिकेशन को सेंड कर दे रहा हूँ। ये जो है ना 2023 की वैकेंसी थी। अब आप बहुत लोगों के दिमाग में यह है कि 2023 में और फिर सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में भर्ती होगी कि नहीं होगी। देखिए, जैसा अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि बहुत कम चांस है कि आपको 2024 में फिर से भर्ती करवाई जाए। जो भी हो गए, रेडियो मैकेनिक से लेकर के ORL ये सब ट्रेड्स के वैकेंसी आपकी क्या होगी, ये सब जो हों 2024 में जाने का ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो बस आप लोगों के लिए इतना ही यही बताना था कि तैयारी में लगे रहिए, अपना जो भी है, जो भी एग्जाम का अपने फॉर्म वॉर्म फिल किया, रिटर्न पे ज्यादा फोकस करिए, रिटर्न को मजबूत करिए और थोड़ा बहुत अपना अपना टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो से, अब आप भी लोग बोलेंगे कि इतना लेट बता रहे, चलिए ठीक है, मिलता हूँ आपसे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर, जय हिंद।